अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट की है स्कोप की, और इसमें साथ में फ़र्दर आपको सैलरीज भी बताता जाऊँगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बताता जाऊँगा, कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। BS इंग्लिश के बारे में आपके साथ आज शेयर करूंगा, जो बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा समझें कि अ बिग ड्रीम कि BS इंग्लिश में हर एक इंसान दाखला लेना चाहता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली मैंने देखे कि BS इंग्लिश की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश आ गई तो हमें सारा कुछ ही आ जाएगा, या BS इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोप है, मास्टर्स इन इंग्लिश कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखें, हर डिग्री का, हर फील्ड का अपना अपना स्कोप होता है, अपना अपना दायराकार होता है, कुछ का वसी होता है, कुछ का थोड़ा सा बाउंड होता है, लेकिन हर एक डिग्री का स्कोप होता है। BS इंग्लिश की अगर बात की जाए तो BS इंग्लिश में आपको स्कोप थोड़ा वाइडर इसलिए मिल जाता है क्योंकि इसमें इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाती है, इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए BS इंग्लिश का होना ही ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो BS इंग्लिश करके या मास्टर्स इन इंग्लिश करके उन्हें छोटा सा सेंटेंस बनाना भी नहीं आता। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप लिख लेंगे, जितना ज़्यादा आप काम कर लेंगे, आप उतने ज़्यादा ग्रिप हासिल करते जाएंगे अपनी इंग्लिश पर, आपकी इंग्लिश उतनी इंप्रूव होती जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, सर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करवाएं, या हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं सिखाते। अगर आप स्पोकन इंग्लिश ही करना चाहते हैं, ग्रामर ठीक करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। ग्रामर ठीक करने के लिए प्रैक्टिस करें, टेंसेस करें, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, टेंसेस कर सकते हैं, आपकी ग्रामर ठीक होती जाएगी। इंग्लिश मूवीज़ देखा करें, थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लिया करें, साथ उनके आगे स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ आ रहा होता है। आपको पता है कैप्शंस होती हैं मूवी पे, इंग्लिश की जो मूवीज़ होती हैं उनमें कैप्शंस भी होती हैं, वो आपको लिखी हुई भी नज़र आ जाती हैं। थोड़ी सी स्पीड स्लो करें, हैंड फ्रीज लगाएं, मूवी देखें, उनकी बातें सुनें, आपका एक्शन भी ठीक हो जाएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी ठीक होती जाएगी। और दूसरों के साथ छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एक साल के अंदर अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट आप देखेंगे, बल्कि एक महीने में, एक हफ्ते में इंप्रूव होता देखने लग जाएंगे आप कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है। सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ये आपने बहुत पहले से सुना होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, और प्रैक्टिस ही होती है जो आपको बहुत आगे तक लेके चली जाती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जहाँ से मर्जी जितनी मर्जी अच्छी डिग्री ले लें, PhD इन इंग्लिश कर लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप BS इंग्लिश कर लेते हैं, BS इंग्लिश की बेस पे एज ए फ्रेश ग्रेजुएट, जो गवर्नमेंट में सैलरीज होती हैं, आप एम्बेसी में भी जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलैंसिंग में भी आपको इसका फ़ायदा होगा, जर्नलिज्म में, जो हमारा मैस कॉम है, मैस कम्युनिकेशन, मैस मीडिया की जो फील्ड है, इसमें BS इंग्लिश वालों को भी प्रेफर किया जाता है, IR वालों को, मैस कम्युनिकेशन वालों को, पॉलिटिकल साइंस वालों को, इनको तो प्रेफरेंस दी जाती है ना मीडिया से रिलेटेड, लेकिन उनकी कॉन्टेंट राइटिंग जो होती है, उनकी न्यूज़ पब्लिशिंग जो होती है, इसमें प्रेफर्ड होते हैं इंग्लिश वाले। जो मीडिया का हमारा इदारा है, यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इनको 80,000 तक सैलरी ऑफर की जाती है, 50,000 से 80,000 तक। और वैसे जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो हम जॉब्स कर सकते हैं यहाँ पे, जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनको जो सैलरी ऑफर की जाती है वो 35,000 to 50,000 तक की जाती है। या आप इंटरनेट पर भी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास मालूम है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। BS इंग्लिश करने के बाद CSS करना लोग कहते हैं कि आसान हो जाता है, इट्स नॉट फैक्ट। आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो, आपको बेसिक्स का पता हो, आप कोई भी डिग्री कर लें, आप IR कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, इस्लामियात से हटके, उर्दू से हटके, पंजाबी से हटके, कोई भी डिग्री ले लें, सोशियोलॉजी कर लें आप, उसके बाद साइकोलॉजी कर लें, आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश के हैं, अगर BS आपने करना है, लाइक मास्टर्स कर रहे हैं, या BS फिफ्थ सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है, कोई भी आप डिग्री कर लें, उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती? जो किताबें होती हैं इंग्लिश में होती हैं, पंजाबी में होती हैं, वो इंग्लिश में ही होती हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है आपकी प्रैक्टिस से। स्पेसिफिकली BS इंग्लिश पढ़ लेने से आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होती। उसमें हमारे वेस्टर्न पोइट्स होते हैं, शायरी होती है, अगर आपको लगता है कि आप शायरी कर सकते हैं, वेस्टर्न पोइट जो जितने भी हैं उनकी शायरी पढ़ सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, गो फॉर BS इंग्लिश। लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपने जाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाबी में मास्टर्स कर रहे होते हैं और साथ उन्होंने इंग्लिश ग्रामर घर में बैठ बैठ के कर करके प्रैक्टिस इतनी की होती है कि वो कंटेंट राइटिंग इतनी मज़े की करते हैं कि बीएस इंग्लिश वाले भी उनका उनको कंपटीशन में नहीं ला सकते। सो आपकी प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके साथ मैंने शेयरिंग कर दी है। इसके अलावा बीएस इंग्लिश अगर आपने की हो पीपीएससी में, आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाती है एज ए टीचिंग, एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 17th grade की बेसिक पे स्केल जो 17th grade है वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। NTS में बहुत सारी मिल जाती है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस में आपको एज ए ग्रेजुएट 11th grade की और 14th grade की जॉब्स मिल जाती हैं। बीएस इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस बेस पे इंग्लिश का कोई भी आपको इदारा मिल जाए। कंटेंट राइटिंग में बहुत आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, अगर आपको जॉब नहीं भी पाकिस्तान में आपको पता है जॉब की अवेलेबिलिटी कितनी कम है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश कर लें, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मैं शर्त जो आपको मैंने बता दी है कि आपकी ग्रामर ठीक होना ज़रूरी है। आपको बीएस इंग्लिश में ग्रामर नहीं सिखाई जाती, आपको बीएस इंग्लिश में टेंसेस नहीं सिखाए जाते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कवर नहीं किए जाते, उसके लिए आपको घर से करना पड़ता है क्योंकि ये मैट्रिक और मिडिल क्लास में होती है, इंटरमीडिएट तक होती है जो आपकी ग्रामर होती है। सो इसके लिए घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, अच्छी किताबें ले लें, मेड इजी है अनवार मुफ्ती साहब की, वो लें टेंसेस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी उनकी है। इसके अलावा आप इम्तियाजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पता करें, थोड़ा सा आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना चाहते हैं तो रेमंड मर्फी ले लें, आप रेनन मार्टिन ले लें, वो किताबें पढ़ें, उनसे तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। रेनन मार्टिन शायद मेरे पास पढ़ी भी है, मेड इजी भी थी मेरे पास, लेकिन वो मैंने मेरे शायद दूसरे रूम में पढ़ी है। रेनन मार्टिन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रेनन मार्टिन बुक है, बहुत बेहतरीन किताब है, इसमें पिक्चर्स के साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है और स्टार्ट से लेके बेसिक से लेके ग्रामर के एंड तक बहुत बेहतरीन ये किताब बनी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ये रेनन मार्टिन या रेमंड मर्फी की बुक ले लें, बहुत बेहतरीन ये किताबें हैं। और अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहें तो इम्तियाज़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने मैट्रिक में ली थी, जब मेरी मैट्रिक हो रही थी मैंने उस टाइम पर ली थी, अब तो खैर उसकी कोई जल्द भी उखड़ गई है, लेकिन किताब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी वो कंप्लीट पड़ी है, ठीक पड़ी है। और मेड इजी का बुकलेट है, वो 60-70 रुपए का मिल जाता है अनवार मुफ्ती साहब का, वो ले लें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बाकी मैंने स्कोप आपको बता दिया, जॉब बता दी है कितनी मिल सकती है, सैलरीज किस हद तक इसमें ऑफर की जाती हैं बीएस इंग्लिश में, ये आपके साथ मैंने एक ओपन एंगल में आके मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं आ जाऊँ और बीएस इंग्लिश निकालूँ और उसके मैं आपको बता दूँ कि यहाँ यहाँ जॉब होगी, इतनी इतनी सैलरीज होगी, मैं ईच एंड एवरीथिंग गाइड करना मेरा ज़रूरी है ताकि हर एक एंगल से आप देख सकें उसे, आपको इसमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रामर करें, बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह ताला सबका हामी ना सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।